हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके ओडिशा। देखो आज आम जो क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन करवा क्वेश्चन गुड़ाक एग्जाम दृष्टि बहुत गुरुत्वपूर्ण रही है। कहीं आज आम सब सिलेक्टेड जीके क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन करवा जो मैंने जेल वार्डर पर प्रिपेरेसन हो ट्रिपल एसी ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पीओ पर प्रिपेरेसन हो डबल एसी सीजीएल वीएलडब्ल्यू ओटीईटी एएसओ एवं ओडिशा गवर्नमेंट जेकोसी एग्जाम प्रिपेरेसन होती भिडियोटी बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण रेब चलतु आज प्रथम प्रश्नटी आरंभ करवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। देखो प्रश्नटी कौन कौन ना केस गोटे सार्क्र मेम्बर नुहे केस ना ऑप्शन डी म्यांमार। म्यांमार जे कि सार्क्र गोटे मेंबर नुहे। ये देखो ये जो सार्क दे सार्क्र फुल फॉर्म कौन है ना साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। कौन साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन जे कि सार्क्र फुल फॉर्म। ये जो सार्क्रे क्यों देश मेंबर अच्छा कौन कहे ना भारत बांग्लादेश पाकिस्तान भूटान नेपाल मालदीप श्रीलंका अफगानिस्तान। यही आठटी देश जे कि सार्क्र मेंबर अटंती जे कि म्यांमार मेंबर नुहे। तो ये जो सार्क के गठन करा ना 1985 जे कि सार्क गठन करा जेतेबले सार्कटा गठन करा आर हेडक्वार्टर के अच्छी कौन कहे ना बांग्लादेश ढाका ठारे जे कि सार्क्र हेडक्वार्टर थिला किंतु वर्तमान टाइम रे हेडक्वार्टर के अच्छी ना नेपाल काठमांडू। नेपाल काठमांडू ठारे जे कि वर्तमान टाइम रे सार्क्र हेडक्वार्टर अवस्थित। तले एठी हमर प्रश्नटी कौन कहि क्यों देश जे कि सार्क्र गोटे मेंबर नुहे कौन है ना ऑप्शन डी म्यांमार। म्यांमार जे कि सार्क्र गोटे मेंबर नुहे। व्हिच स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। देखो प्रश्नटी कौन कौन ये प्रश्नटी आप भलेसे बुझु प्रश्नटी कौन कि केन्द्र शासित अंचल एवं राज्य मानक भितर जो पावरटा डिवाइड हो पावरटा क्यों स्केड्यूल वर्णना करा। प्रथम तो आप जा रखु वर्तमान टाइम आमर संविधान रे केतेटा स्केड्यूल अच्छी ना 12 गोटी। 12 गोटी स्केड्यूल जे कि वर्तमान टाइम रे आमर संविधान रे अच्छी से 12 गोटी स्केड्यूल मध्यरु केउ स्केड्यूल जे कि यूनियन एवं स्टेट केन्द्र शासित अंचल बा राज्य मानक भितर जो पावरटा डिवाइड हो क्यों स्केड्यूल वर्णना करा जाय छी केउ स्केड्यूल ना ऑप्शन बी 7th स्केड्यूल। 7th स्केड्यूल जे कि पावर विषय रे केन्द्र शासित अंचल और राज्य मानक मध्यरे जो पावरटा डिवाइड हो सेटा वर्णना करा जाय छी 7th स्केड्यूल। तले ऑप्शन ए रे देछि 9th स्केड्यूल। 9th स्केड्यूल कौन वर्णना करा जाय छी ना लैंड जमी जमी विषय रे जे कि 9th स्केड्यूल वर्णना करा जाय छी। ऑप्शन सी रे 8th स्केड्यूल जे कि लैंग्वेज विषय रे वर्णना करा जाय छी। तले एठी हमर प्रश्नटी कौन कहू छी ना केउ स्केड्यूल जे कि राज्य एवं केन्द्र शासित मध्य जो पावरटा डिवाइड हो से पावरटा केउ स्केड्यूल वर्णना करा जाय छी कौन है ना ऑप्शन बी 7th स्केड्यूल। 7th स्केड्यूल जे कि राज्य एवं केन्द्र शासित मंदिर जो पावरटा डिवाइड हो से पावरटा वर्णना करा जाय छी। द यूएनओ वाज फाउंडेटेड एट। देखो प्रश्नटी कहू कि जो यूएनओ यूएनओ कौन ना यूएनओ हेउची यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये जो यूएनओ जे कि केउ कंट्री रे गठन करा जायतिला बा केउ जगह रे गठन करा जायतिला केउ जगह रे ना ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कंट्री रे जे कि यूएनओ गठन करा जायतिला केबे गठन करा जायतिला ना 1945 रे जे कि गठन करा जायतिला एवं से जो 1945 रे कौन होइतिला ना से द्वितीय विश्वयुद्ध शेष समय रे यूएनओ गठन करा जायतिला एवं यूएनओ रो फुल फॉर्म हेउची यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाले अवार्ड। कौन कौन प्रश्न हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाले अवार्ड। देखो प्रश्नटी कौन कि दादा साहेब फाले अवार्ड क्या दि जाए ना बा किए पाई वर्तमान पर्यंत। ऑप्शन ए बी सी जो चारोटी अच्छी चारोटी मध्य क्या दि जाए ना। प्रथम तो आप मन रखु दादा साहेब फाले अवार्ड कौन एवं क्यों क्षेत्र में दि जाए। दादा साहेब फाले अवार्ड हो फिल्म इंडस्ट्री सबुठ बड़ अवार्ड। कौन ना सबुठ बड़ अवार्ड हो दादा साहेब फाले अवार्ड जे कि फिल्म इंडस्ट्री सबुठ बड़ अवार्ड क्या दि जाए ना। ना ऑप्शन सी रामानंद सागर। रामानंद सागर को जैक वर्तमान पर्यंत कौन दादा साहेब फाले अवार्ड दि जाए ना। देखु ये जो रामानंद सागर जे कि क्यों क्षेत्र में अभिनय करते ना रामायण रे। रामायण रे जे कि रामानंद सागर अभिनय करते वर्तमान पर्यंत दादा साहेब फाले अवार्ड दि जाए ना।
जदि आपन को एठी पचरा जाए 2022 रे कहा को दादा साहेब फाले का अवार्ड मिलथिला कोन कहबे ना फरान अख्तर को जे कि 2022 मसिया रे दादा साहेब फाले का अवार्ड मिलथिला। ए जो फरान अख्तर केउ मूवी करथिले ना जय भीम नामक मूवी फरान अख्तर करथिले जे कि तांको दादा साहेब फाले का अवार्ड मिलथिला। द हेडक्वार्टर ऑफ UNSCR इज लोकेटेड एट देखंतु प्रश्न रे कहउची UNSCR हेडक्वार्टर केउठी अवस्थित। देखु प्रथम आप जाणी रखु UNSCR फुल फॉर्म कौन फुल फॉर्म हो यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट कमिशन रिफ्यूज कौन यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट कमिशन रिफ्यूज जे कि 1950 रे गठन होता यार हेडक्वार्टर केउठी ना ऑप्शन डी जेनिवा ठारे जे कि UNSCR हेडक्वार्टर अवस्थित। द मोस्ट सुइटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस इज देखु प्रश्नटी कौन कौन भले से बुझु प्रश्नटी कह न्यूक्लियस रेडियस कौन न्यूक्लियर रेडियस SI यूनिट कौन ये जो सुइटेबल यूनिट की आम सर्ट्रे SI यूनिट बोली कहीपर प्रश्नटी कह न्यूक्लियर रेडियस सुइटेबल यूनिट बा SI यूनिट कौन कौन है ऑप्शन बी फेरलिम जे कि न्यूक्लियर रेडियस SI यूनिट कहार ना न्यूक्लियर रेडियस SI यूनिट हूँ फेरलिम। हु वाज द फास्ट चीफ जस्टिस ऑफ द ओडिशा हाईकोर्ट देखो प्रश्नटी कौन कौन ना ओडिशा हाईकोर्टर प्रथम चीफ जस्टिस किए कौन है सटिक उत्तर ना ऑप्शन सी बीरकिशोर राय जे कि ओडिशा हाईकोर्टर प्रथम चीफ जस्टिस थिले। व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इलेक्शन कमिशन कौन कौन प्रश्न व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इलेक्शन कमिशन देखो प्रश्नटी कह भारतीय संविधान क्यों धारा रे इलेक्शन कमिशन को विषय रे वर्णना करा जाइछि क्यों धारा ना ऑप्शन ए आर्टिकल 324 आर्टिकल बा धारा 324 रे भारतीय संविधान रे जे कि इलेक्शन कमिशन को विषय रे वर्णना करा जाइछि। देखंतु ऑप्शन बी रे देला आर्टिकल 343 आर्टिकल 343 रे कोन वर्णना करा जाइछि ना आर्टिकल 343 रे ऑफिशियल लैंग्वेज विषय रे वर्णना करा जाइछि जे कि इंडिया रे जे कि भारत रे हमर वर्तमान टाइप रे ऑफिशियल लैंग्वेज अछि 22 गोटी रही अछि सेई 22 गोटी लैंग्वेज जे कि आर्टिकल 343 रे वर्णना करा जाइछि। ऑप्शन सी रे देला आर्टिकल 352 आर्टिकल 352 रे कोन वर्णना करा जाइछि ना नेशनल इमरजेंसी हमर वर्तमान टाइम रे केटा इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी अछि ना तीनोटी जे कि वर्तमान टाइम रे नेशनल इमरजेंसी अछि सेई तीनि गोटी जे कि आर्टिकल 352 रे वर्णना करा जाइछि। व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इलेक्शन कमिशन कौन कौन प्रश्न व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इलेक्शन कमिशन देखो प्रश्नटी कह भारतीय संविधान क्यों पार्ट रे इलेक्शन कमिशन को विषय रे वर्णना करा जाइछि क्यों पार्ट हबो ना ऑप्शन ए पार्ट एक्स बी रे जे कि इलेक्शन कमिशन को विषय रे वर्णना करा जाइछि। देखंतु आ पूर्व प्रश्नटी थिला भारतीय संविधान केउ धारा बा केउ आर्टिकल ले इलेक्शन कमिशन को विषय रे वर्णना करा जाइछि केउ आर्टिकल थिला ना आर्टिकल 324 रे जे कि इलेक्शन को कमिशन को विषय रे वर्णना करा जाइछि एवं पार्ट एक्स बी रे जे कि इलेक्शन कमिशन को विषय रे वर्णना करा जाइछि। ऑप्शन बी रे देला पार्ट एक्स बी टू आई बा पार्ट सतर कौन वर्णना करा जाइछि ना आमर जो 22 गोटी लैंग्वेज अछि से लैंग्वेज विषय रे जे कि पार्ट ए कौन एक्स बी टू आई बा पार्ट सतर रे वर्णना करा जाइछि। ऑप्शन सी रे देला पार्ट एक्स बी थर्ड आई रे कौन ना पार्ट एक्स बी थर्ड आई बा पार्ट अठर रे जे कि आमर जो तीनि गोटी इमरजेंसी अछि से तीनि गोटी इमरजेंसी जे कि पार्ट थर्ड आई रे वर्णना करा जाइछि से तीनि गोटी इमरजेंसी ना हेउछि नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी ए तीनि गोटी जे कि पार्ट एक्स बी थर्ड आई बा पार्ट अठर रे वर्णना करा जाइछि। एठी हमर प्रश्नटी कौन कहउछि ना भारतीय संविधान रो केउ पार्ट रे इलेक्शन कमिशन को विषय रे वर्णना करा जाइछि केउ पार्ट हबो ना ऑप्शन ए पार्ट एक्स बी रे जे कि इलेक्शन कमिशन को विषय रे वर्णना करा जाइछि। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो कौन कहउछि प्रश्न हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया भारतर प्रथम चीफ इलेक्शन कमिशन किए कौन है सटिक उत्तर ना ऑप्शन ए सुकुमार सेन जे कि भारतर प्रथम चीफ इलेक्शन कमिशन अटंती। व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया कौन कौन प्रश्न व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया देखंतु प्रश्नटी कहउछि कि भारतर जो चीफ इलेक्शन कमिशनर अछंती तांकर सर्वाधिक बयस केते
ना ऑप्शन बी 65 बा 65 वर्ष चीफ इलेक्शन कमिशन कर सर्वाधिक वयस जे कि 65 वर्ष। वीडियो टी भलो लागिथिले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, लाइक कर दियंतु, शेयर भी कर दियंतु। जदि हम टेलीग्राम चैनल जॉइन होइनाती तेबे हम टेलीग्राम चैनल जॉइन होइ जांतु। टेलीग्राम चैनल लिंक आपण माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पाई परिबे।